नमस्कार, मैं हूं रामनुज भट्ट और जनतंत्र टीवी की खास पेशकश कि कैसा उम्मीद करता है नया साल जो आज का युवा है और इस कोरोना काल 2020 के अंदर क्या क्या परेशानियां हुई, कितनी उम्मीदें हैं और क्या क्या प्रण लिया है, क्या क्या आगे प्लान कर रखा है फ्यूचर के लिए, तमाम लोगों ने उनसे हम बात करेंगे। इस समय हम लखनऊ के शर्मा चाय के पास मौजूद हैं और देखेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरह से युवा जो है कंसंट्रेट कर रहे हैं कि कैसे भविष्य जो है 2021 का कैसा उम्मीद रखते हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, 2020 का अनुभव और 2021 में क्या उम्मीद है? अब तो वैक्सीन का वेट हो रहा है 2021 में, केवल वो आएगी तभी कुछ आगे चलेगा। मतलब कुछ और उम्मीद है कि भाई 2000 अगर वैक्सीन आ जाती है, वैक्सीन होने के बाद क्या कुछ आगे प्लान कर रखा है फ्यूचर का? अभी तो कुछ प्लान नहीं किया जाता, मतलब कोई प्लान ही नहीं कर रखा है। और 2020 का अनुभव कैसा रहा? बहुत बेकार, सबसे बेकार रहा 2020। तो 2020 का जो अनुभव है बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन उम्मीद है कि वैक्सीन आने के बाद 2021 का जो अनुभव हो वो ज्यादा बेहतर हो। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, 2020 का जो अनुभव रहा पूरा किस तरह से देखा? अब स्टूडेंट के लिए तो कुछ खराब ही था क्योंकि फॉर्म वगैरह भी नहीं निकले, कुछ नहीं हुआ। तो 2021 में यही है कि जो इनकी पेंडिंग्स जितनी भी चीज़ें थी वो 2021 में आए, ज़्यादा फॉर्म निकले, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, जो कि मेन मुद्दा रहेगा 2021 में। 2021 में मतलब यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप? और क्या प्लान कर रखा है इसके साथ साथ? बाकी तो अपना यही है कि मुझे तो रोज़गार मिल जाए, बाकी मैं दूसरों का क्या बताऊँगा। रोजगार जो है वो कहीं ना कहीं एक नेसेसरी है लोगों के जीवन की, जो है एक बेहतर व्यवस्था के लिए है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2020 का जो समय बीता वो बहुत अच्छा नहीं बीता लोगों का। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? अनमोल अग्रवाल। अनमोल, 2020 का जो अनुभव है, नया साल आने वाला है और क्या उम्मीदें हैं? सर देखिए, 2020 में सबसे पहले मेरा गंदा अनुभव था कि मतलब मैं एक्चुअली एक है बिजनेसमैन हूँ, मैं मेरी जो ट्रैवल एजेंसी है उसमें बहुत लॉस हुआ क्योंकि कोविड के चक्कर में जो पैंडेमिक चला है बहुत से लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, बहुत से लोगों का लॉस भी हुआ है जैसा आप जानते हैं। और अभी एयर इंडिया वालों ने भी कह दिया कि मैं जितना भी जो पेमेंट फंसा है आपके क्लाइंट्स लोगों का मैं नहीं दूंगा। अब 2021 में बस यही चाहते हैं कि क्लाइंट्स विजिट करें और पहले तो ये वैक्सीन आ जाए ताकि लोग एक शहर से दूसरे शहर जा सकें, तो सर तभी हम लोग का कुछ होगा बिजनेस, वरना कोई तो बिजनेस ही नहीं हो। बिजनेस जो है तभी हो पाएगा जो 2021 का। लेकिन उम्मीदें क्या लग रही हैं? उम्मीदें ये हैं सर, अगर वैक्सीन आ जाती है तो शायद कोविड का कुछ जो काल है अभी वो थोड़ा कम हो जाए उसका प्रभाव वैक्सीन से, और लोग आने जाने शुरू कर दें। तो ये इस कोरोना काल ने हर वर्ग को प्रभावित किया है, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो या विद्यार्थी वर्ग हो या इसके साथ साथ जो है व्यवसायिक वर्ग हो। और भी लोग मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप सर, काम क्या करते पहले? मैं यार प्राइवेट जॉब में हूँ दिल्ली में। सर 2020 का जो अनुभव रहा और उम्मीदें 2021 से, क्या प्लान कर रखा है 2021 में? बेहतर तो यही है कि बस पहले तो ओवरकम होंगे जो ये पैनेडेमिक चल रहा है इससे, कोविड-19 से, क्योंकि अभी भी एक वेव चालू हो गई है डर की जो ब्रिटेन से आ रही है। सेकेंड चीज़ अपने को ये है कि नेचुरली ये सब पे फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ा है इस लास्ट ईयर से और वो कंटिन्यू होगा, तो उम्मीद बेटर ही है कि अच्छा होगा। मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार अच्छा हो। और क्या प्लान कर रखा है अगर सब कुछ अच्छा हो जाता है कोविड से? तो प्लान यही कर रखा है भैया, जो अपनी चीज़ें चल रही हैं, रुकी हुई हैं, उसको हम कंटिन्यू रखें और आगे भी भाई जो भी काम है, जो भी नेचुरली है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो हम भी वही चाहेंगे कि अच्छा साल बीते, फाइनेंशियली अच्छा हो। कुछ नया सोचा हो कि अगले साल जो है 21 में कुछ नया प्लान कर रखा हो कि हमने ये करना ही करना है, उसके लिए आपने कोई प्लान बना रखा हो पहले से? नेचुरली एक हमारा बिजनेस बंद हो गया था मेरी वाइफ का, वो प्लान कर रखा है कि इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको रीस्टार्ट करेंगे एडवर्टाइजिंग। नए साल में अच्छा हो ये हम भी उम्मीद करते हैं इस पूरे देश के लिए, और तमाम लोग उनसे ही बात कर रहे हैं। नई उम्मीदें क्या लग रही हैं आपको? देखिए 2020 है हम लोग के लिए जो रहा, वो सब घर में रह के हम लोगों ने अपने काम करे हैं और प्लानिंग बहुत सारी थी कि देखिए पीस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश के लिए,
मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी पीस है। सो वो पीस की वजह से ना हमारा बिजनेस, हमारा काम बहुत इफेक्ट करता है। लेकिन उम्मीदें की जा रही कि वैक्सीन जो है अब शुरुआत हो जाएगी वैक्सीनेशन की कोविड से, और 21 में अगर मान लीजिए ये सब संभव हो गया और उसके बाद क्या प्लान कर रखा है 2021 में जो नया साल आ रहा है? देखिए वैक्सीन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम अब शायद है। वो जो एक पेंडेमिक होना था, जो डैमेज होना था, वो हो चुका है। अब जो 21 है हमारे लिए वो सर्वाइवल के लिए है। वॉट एल्स जिनकी नौकरी जा चुकी है, वॉट एल्स जो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, वैक्सीन आ गई उनको कैसे आप रिवाइव करेंगे? गवर्नमेंट कैसे सोचेगी, क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की? आई हैव अ माई ओन बिजनेस, आई एम डूइंग माई बिजनेस वेरी वेल, बट वॉट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पर्सन्स? वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? जो लोग बड़े शहरों से छोड़ के छोटे गाँव चले गए, उनको क्या दिख रहा है आज? आप वो जो अपने गाँव में हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? वो रोटी दाल ही तो खा रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, और वो किस उम्मीद से शहरों की ओर बढ़ेंगे? गवर्नमेंट को सबसे पहले पीस करना होगा देश को। पीस बहुत ज़रूरी है देश के लिए। विदाउट पीस नॉट अ सिंगल कंट्री कैन सर्वाइव ईजली। सो मुझे ये लगता है कि मैं गवर्नमेंट की ओर देख रहा हूँ। गवर्नमेंट वैक्सीन के बाद और कितना बेटर इस देश को कर सकती है और क्या बेटर दे सकती है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। है और जानेंगे कि आखिर कैसी उम्मीदें हैं 2021 से, क्योंकि 2020 का जो कोरोना काल रहा उसमें बहुत बेहतर नहीं रहा। तमाम लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या अनुभव है, उनका अनुभव भी सुनेंगे और क्या आगे भविष्य का प्लान कर रखा है वो भी। सर क्या नाम है आपका? जी पीयूष। पीयूष जी ये बताइए कि क्या लग रहा है कि 2020 का जो समय आपका अनुभव रहा, 2021 के लिए क्या उम्मीदें कर रखी है? किस के लिए उम्मीदें? वैसे तो कुछ अभी वैक्सीन का सुनने में आ रहा है कि आने वाली है, तो वैक्सीन आने से फिर चीज़ें थोड़ी सॉल्व होंगी, बिजनेस आगे बढ़ेगा, चीज़ें और भी कुछ कर सकते हैं हम लोग। 20 में दिक्कतें रहीं तो वो दिक्कतें मतलब अपेक्षा करते हैं ना एक केस में, मतलब बस यही मतलब चाहेंगे। यही है कि 2021 में जब वैक्सीनेशन अगर आ जाती है पूरी तरीके से होना शुरू हो जाता है तो आगे क्या एक्सपेक्ट कर रखा, क्या बनाने का, क्या कुछ प्लान कर रखा आगे की भविष्य में? ये तो जो बिजनेस था वो थोड़ा सा अभी स्लो हो गया था, तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपना। मार्केट में स्थिति जो गड़बड़ थी अभी हुई है, जो बेसिक रियल एस्टेट बिजनेस में हम लोग तो अभी थोड़ा मार्केट डाउन था, कस्टमर्स नहीं थे, तो अब धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। उम्मीद है कि 21 में और अच्छी होंगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है और 2021 की उम्मीद ये है कि 2020 का जो कड़ुआ अनुभव रहा उसको खत्म करें और 2021 में एक नई पारी की शुरुआत की जाए। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सुमित। सुमित जी ये बताइए कि 2020 का जो अनुभव रहा, उम्मीदें 2021 के लिए क्या कर रखी हैं, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन की बात हो रही है, वैक्सीनेशन करने की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में खासकर, तो क्या उम्मीदें हैं आगे? देखिए भैया अभी जिस तरीके से 2020 निकला है उसमें आप लोग ने सभी ने देखा है कि आर्थिक स्थिति भी कितनी डाउन चली गई है, वैक्सीनेशन नहीं है जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं लोगों में। अभी भी क्या है कि मार्केट में निकलने में भी थोड़ा सा डर लगता है कि क्या नाम है, वैक्सीनेशन नहीं है और जिस तरीके से कोरोना के वो बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा वैक्सीन आने के बाद। नया जो अपडेट है कहीं कि नया कोरोना जो आया है उससे थोड़ा खतरा है, तो क्या अब उम्मीद क्या लग रही है अगर मान लीजिए वैक्सीनेशन हो जाता है, क्योंकि योगी सरकार भी बड़ा काम कर रही है इस पर, तो नए साल में क्या उम्मीद कर रखी है? देखिए भैया नए साल में यही है, वैक्सीनेशन आने के बाद जो डर भरा हुआ है लोगों के अंदर, जो लोगों के अंदर डर भरा हुआ है तो वो चीज़ दूर हो जाएंगी और थोड़ा सा फ्री माइंड होकर हम लोग बाहर मार्केट में निकल सकते हैं। और जो हम लोग का बिजनेस चल रहा है, जो डाउन चल रहा है इस टाइम पे, कस्टमर भी निकलेगा, तो उस हिसाब से हमारे थोड़ा सा बिजनेस में भी बेनिफिट रहेगा उस चीज़ को लेके। नया प्लान तो भैया यही है, पहले तो वेट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो सबका, कि जिस वजह से उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं मार्केट में। चलिए वैक्सीनेशन हो जाए तो ये बेहतर होगा कि भविष्य अच्छा होगा। क्या नाम भी आपका? शारिक भैया। शारिक। शारिक बड़ा कड़वा अनुभव रहा लोगों का 20 का, 2021 का क्या नया सोच रहे हैं आप? अभी बस सभी लोग हम लोग यही सोच रहे हैं कि पहले वैक्सीनेशन आ जाए, पहले सब सही हो जाए, जैसे माहौल है सब पहले से नॉर्मल हो जाए पहले की तरह, उसके बाद फिर किसी चीज़ का प्लान करा जाएगा दूसरी चीज़। तो वैक्सीनेशन का इंतजार सबको है, 2021 में कई प्लान बना रखे हैं। और भी लोग उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार चौबे है। जय कुमार चौबे सर। जय कुमार जी ये बताइए कि जो स्थिति है 2020 की, देखिए आपने साल बीत गया मतलब, और क्या उम्मीदें हैं नए साल से आने वाले, क्या उम्मीदें हैं और क्या करना चाहते हैं आगे टारगेट? टारगेट के बेस पे देखा जाए तो सर मतलब ये हम लोग चाहेंगे सरकार से कि मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो नवयुवक है उनको जो है अच्छे से अच्छे अवसर मिले,
क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफी जो है, क्योंकि आम नागरिक का होता है रोटी कपड़ा और मकान, तो वो सब चीजें जो है उनको मिले, वो सब उस तरीके के सरकार उस बेस पे कुछ काम करे। तो सरकार से उम्मीदें रख रहे हैं और खुद भी नए साल में काफी कुछ प्लान कर रखा है और सोच रहे हैं कि इस बार जो जरूरतें हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और भी लोग उनसे ही बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से नए साल को जो है वो चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान, ये बताइए कि कैसी उम्मीद कर रहे हैं 2021 से आप? उम्मीद तो अच्छी कर रहे हैं मगर कहीं उम्मीद दिख नहीं रही है, क्योंकि कारोबार सब कुछ खत्म हो गया है, आम जनता मर रही है, कोई उपाय दिख नहीं रहा है। तो क्या उम्मीद है, मतलब 21 की बात करें, 20 में तो सारा कोरोना काल ने जो है जिस तरीके प्रभावित किया, तो आगे क्या प्लान भी क्या कर रखा है? सब कुछ सही रहता है तो? सब कुछ सही रहता है तो ठीक है, वैसे प्लान तो कुछ दिख नहीं रहा सही होने का। उम्मीद क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं भविष्य में, अगर सब कुछ सही हो जाता है 2021 के अंदर क्या करना चाहेंगे? भाई हम तो कारोबारी आदमी, बस हम ये चाहते हैं मेरा कारोबार अच्छा चले, पर इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं। तो कारोबार जो है उसके लिए कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि 2021 के अंदर कारोबार ठीक हो जाए। और कैसे शुरुआत की जाए, क्योंकि 2021 की अगर बात की जाए तो 2021 में बहुत बेहतर प्लान कर। क्या नाम है भी आपका? प्रियम अग्रवाल। प्रियम, ये बताओ कि क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि 2020 बीत गया, मतलब लगभग बीत ही गया, और क्या उम्मीदें हैं 2021 से आपको, क्या प्लान कर रखा, क्या नया कुछ? देखिए नए साल नई उम्मीद तो होती ही है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बेटर होगा, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो नई नई स्कीम जो लॉन्च कर रहे हैं, तो आप देखिए फर्क तो है ही। तो मानते हैं कि कोरोना काल से जो एकदम काफी काफी ज्यादा निजात मिली है? कोरोना में देखिए इफेक्ट आया था, बट अब ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जो है सब चीजें लाइन पे आ रही हैं और आने वाले टाइम में आ भी जाएंगी। सामान्य हो रहे हैं आप लोग, मतलब मान रही है सामान्य हो रही है जी। और भी लोग उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनीत वर्मा। विनीत जी, ये बताइए कि 2020 का अनुभव और 21 से उम्मीदें, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? उम्मीद तो अच्छी कर रहे हैं इस बार, जो 20 गए हम लोग, अब देखिए आगे क्या होता है, भगवान ना करे कुछ हो, ये जो अभी वायरस एक और सुनाया आ रहा है बस। तो मतलब डर है भी और उसके बाद उम्मीद भी है, उम्मीद भी है कि कुछ अच्छा होगा। प्लान क्या कर रखा है आगे? प्लान तो अभी कुछ नहीं, अब सोच रहे हैं आगे क्या करना है, किसमें चलिए अच्छा हो सबके साथ, सब बस और कुछ साथ अच्छा हो, ये प्लान कर रहे हैं कि आगे कुछ बेहतर जो है वो हो। तमाम लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर 2020 का जो अनुभव है, क्या नाम है आपका? प्रवीण। प्रवीण, 2020 का जो अनुभव रहा कोरोना काल का, और 2021 में क्या प्लान कर रहे हैं कि क्या बेहतर हो, क्या और कुछ नया? नहीं, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहे, वो तो गवर्नमेंट प्लान कर रहे ना क्या करना है, वैक्सीन कब तक आएगी, सब कुछ वैक्सीन आ जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, अभी तक तो यही नहीं पता चला वैक्सीन आ रही है क्या हो रहा है, उसका ड्रॉबैक है कि नहीं है, उल्टा असर हो रहा है, मतलब वैक्सीन का असर उल्टा हो सकता है कि नहीं हो है, रहा है। अच्छा। वैक्सीन जो है उसके लिए भी तमाम लोग इंतजार में हैं, और भी लोग उनसे बात करते हैं कि कैसे उम्मीद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जपित कोहली। जपित कोहली, जपित, ये बताओ कि क्या उम्मीदें हैं 2021 से, क्योंकि यूथ जो है बड़ा प्लान करके बैठता है कि 2021 में ये करेंगे, एक टारगेट बना के। 2020 से ज़्यादा उम्मीद ही है ये 2021 से, क्योंकि 2021 में मेरा 12th पास आउट हुआ था, अब 2021 में फ्यूचर के लिए सोचेंगे, अब डर के तो बैठ नहीं सकते घर पे, अब आगे फ्यूचर डिसाइड करेंगे 2021 में। क्या प्लान करेगा, सोच के वाले देखेंगे आगे, स्टडीज, हायर स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कई और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनाक्षी। सोनाक्षी जी, ये बताइए कि 2020 का जो अनुभव रहा, क्योंकि कोरोना काल रहा जिससे पूरा 2020 खराब कर दिया, लेकिन 2021 में क्या उम्मीद है और क्या बेहतर करना चाहते हैं? पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, नथिंग एल्स, और बाकी देखिए 2020 जो आप कहेंगे 2020 है, वो हर पूरे वर्ल्ड के लिए था, नॉट ओनली फॉर इंडिया और फॉर अस, वो सबके लिए था, तो उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं और ऑल वो फॉर द बेस्ट हर जगह की। 2021 का की नया कुछ 21 पॉजिटिव होप के लिए चल रहे हैं, और हम लोग का तो यही है कि अब आगे आए तो लोग घूमने जाए, अच्छे से घूमने निकले, कुछ अलग सोचा जाए, नहीं तो अभी तो लोग बंधा हुआ है अपने घर में ही, अपने शहर में ही बंधा है देखा जाए तो। बंधे हुए से जो महसूस कर रहे हैं कि 2021 में वैक्सीनेशन हो और बेहतर उसके रिजल्ट आए, तो शायद कुछ और भी प्लान करेंगे, और भी लोगों से बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? श्रेया कोहली। श्रेया जी, ये बताइए कि 2020 का जो अनुभव रहा और 2021 के लिए क्या उम्मीदें हैं, क्या प्लान कर रखा है, क्या कोई एक नई विजन से जो चल रहे हैं? जी इस साल तो मेरे लिए काफ़ी टफ रहा, क्योंकि मैं एक एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ,
तो इस बार हम लोग को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा। स्कूल्स पूरे साल बंद रहे हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए। तो आगे के लिए हम यही प्लान कर रहे हैं कि आगे और भी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों हमारे एजुकेशनल सिस्टम को, क्योंकि अब बीइंग अ टीचर हम लोग को सैलरी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। इस बार वेजेस नहीं मिले हैं बहुत लोगों को, तो आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशनल और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी, सो दैट ईच वन ऑफ अस कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय इट और उनको थोड़ा एडवांटेज और बेनिफिट मिले। क्या और प्लान क्या है 2021 का, क्योंकि उम्मीदें तो सबने कर ली कि भाई 2020 से बेहतर होगा 21, प्लान क्या है? वैक्सीनेशन का ही है सबसे ज्यादा हम लोग को, क्योंकि बिना स्टूडेंट्स के स्कूल्स तो नहीं चलते हैं। तो एज बीइंग माय सेल्फ एज पार्ट ऑफ एन एजुकेशनल सिस्टम वेटिंग फॉर द वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन आए और सब लोग बिल्कुल अच्छे से घूमें फिरें और बैक टू नॉर्मल लाइफ जिए। तो सामान्य जीवन की कल्पना कर रहे हैं 2021 में, और 2021 जो है वो बेहतर शुरुआत हो, और तमाम जो लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि 20 का जो अनुभव है, जो 20 का कड़वा अनुभव था, उसको कम करें और उस अनुभव को कम करने के साथ साथ 2021 में तमाम जो प्लानिंग है वो तब साकार हो पाएगी। और साफ कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीनेशन सही से हो जाए तो जाहिर सी बात है 2021 का अनुभव ज़्यादा बेहतर सोचा जा रहा है। जानते हैं युवाओं से कि आखिर 2021 कैसा उम्मीद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा यासिर। यासिर, क्या उम्मीदें कर रखी हैं 2021 में, क्योंकि 2020 में कोरोना काल चला, काम धाम और तमाम एजुकेशन सब कुछ ठप रहा, 2021 में क्या उम्मीदें हैं? 2021 में भैया यही उम्मीदें हैं कि जो इतने बड़ा ये बीमारी चली, इससे हम लोगों की दूर हो इस ये बीमारी। बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से, क्योंकि बहुत लोग हमारे हिंदुस्तानी जितने भाई बहन थे, बहुत उन्होंने बहुत मुसीबत उठाई। सबसे ज़्यादा गरीब आदमी वह परेशान हुआ, मिडिल आदमी वह परेशान हुआ। इसीलिए यही चाहते हैं कि 21 में सब कुछ अच्छा हो जाए, और हमारे किसान भाई जितने भी हैं जिस परेशान बॉर्डर पे हो रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि खुश रहें और अपनी आबाद रहें। तो 2021 में और बेहतर हो। क्या नाम है आपका? पंचप्रीत सिंह। पंचप्रीत, ये बताओ कि 2021 की क्या उम्मीद लग रही है, क्या होना चाहिए और कैसा उम्मीद कर रहे हैं, कि क्या प्लान कर रखा है आपने? प्लान तो कुछ नहीं इस साल की, हम लोगों ने एक्चुअली क्या है कि किसान भाई आंदोलन जो चल रहा है वो मोदी जी क्लियर कर। क्या उम्मीद करते हैं कि 2021 में कोरोना काल से क्या और बेहतर हो सके? 2021 में ये हम चाहते हैं कि वैक्सीन जल्दी आ जाए, कोरोना की जो बीमारी है जल्दी ख़त्म हो, और एक्चुअली क्या आजकल अब विकास भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि विकास की बात करते थे मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो भी होना ही चाहिए, ज़रूरी है। और मैं यही चाहता हूं कि 2021 जो आने वाला है वो हर किसी का साल बढ़िया जाए, और मैं इतनी बेनती करता हूं जो मोदी जी प्लीज़ इसलिए इस बात को ध्यान दें कि किसान भाई जो इस समय दिल्ली बॉर्डर में हैं वहां उस चीज़ के लिए ध्यान दें कि जो भी चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, उस बातों को क्लियर किया जाए, जो भी आजकल धाराएँ लगी गई हैं। तो दुनिया और देश ये उम्मीद कर रहा है कि 2021 वो बेहतर हो 2020 से, वैक्सीनेशन का इंतजार हो रहा है कि कैसे वैक्सीन आए, इसके साथ साथ तमाम वो उम्मीदें लगी हुई हैं व्यापार अच्छा हो। तो जितनी तरीके से अगर बात की जाए तो 2021 की जो उम्मीदें हैं सीधे तौर पर जनता को ये है कि 2021 में ये जो कोरोना काल है वो ख़त्म हो, और उसके साथ साथ रोज़गार के साथ साथ तमाम जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत हो। कैम्स अम्बरीश के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।